आज मैं बात करने वाला हूँ आप सबके सामने वेटिकन सिटी के बारे में, वेटिकन सिटी के पासपोर्ट पावर के बारे में, कि वेटिकन सिटी के जितने भी नागरिक है, सिटीजन्स हैं, वो कौन कौन से कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री और वीज़ा नो अराइवल के थ्रू आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों की बात करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वेटिकन सिटी जो है दुनिया की सबसे छोटी देश है, और यहाँ के जो लोग हैं वो, वेटिकन सिटी जो है वो रोम के बीच में ही बसी हुई है। ठीक है, इटली के अंदर ही है, एक बिल्कुल बहुत छोटा सा देश है, और ये देश बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 से भी कम लोग यहाँ पे रहते होंगे, या उससे आसपास यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब 1000 से कम लोग रहते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी, जिस चीज़ के लिए हमने वीडियो स्टार्ट किया है, तो पासपोर्ट। अगर किसी के पास वेटिकन सिटी का पासपोर्ट है, या वेटिकन सिटी का अगर वो सिटीजन है, तो वो 95 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे कम्प्लीटली वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम कंट्रीज है वो यूरोप की है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली। इटली तो है ही, क्योंकि इटली के अंदर ही है वेटिकन सिटी। उसके अलावा लक्समबर्ग, ऑस्ट्रिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, और इसके अलावा पोलैंड, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया, जितने भी देश हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, उन सब में वेटिकन सिटी के जो नागरिक है वो आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा अफ्रीका की मैक्सिमम कंट्रीज़ में, और जो कैरेबियन एरिया है, वेस्ट इंडीज़ का एरिया है, वहाँ पे भी जो जितने भी कंट्रीज है, जैसे डोमिनिका हो गया, हेती हो गया, क्यूबा हो गया, वहाँ पे भी लगभग लगभग ये ट्रेवल कर सकते हैं आसानी से। साउथ अमेरिका की मैक्सिमम कंट्रीज जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन यहाँ पे भी ट्रेवल कर सकते हैं इन यहाँ। और उसके अलावा एशिया में भी कई देश है, वहाँ पे भी इनको वीज़ा फ्री एक्सेस मिला हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें 95 कंट्रीज वीज़ा फ्री है, और उसके अलावा 49 कंट्रीज में इनको ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड है। अब वीज़ा इंडेक्स .com के हिसाब से देखें तो 117 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे इनको वीज़ा ऑन अराइवल और वो वीज़ा फ्री की फैसिलिटी है, और इसमें वीज़ा ऑन अराइवल 34 कंट्रीज़ के लिए है। अब इसमें जैसे यूरोप मैंने आपको बताई दिया, इज़राइल, फिलिस्तीन, यूएई, चिली ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अलाबामा, यहाँ पे इनको कंप्लीट वीज़ा फ्री है, तो और वीज़ा ऑन अराइवल 34 कंट्रीज़ में। इसके अलावा भी कई कंट्रीज ऐसी है जो यहाँ पे वेटिकन सिटी के लोगों को जाने के लिए वीज़ा लगाना पड़ता है, और उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगता है, पर वो वीज़ा उनका वैसे लग ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वेटिकन सिटी एक बहुत ही रिच कंट्री है, पर बहुत ही ज़्यादा छोटी है, और यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। लोग वही रहते हैं जो कैथोलिक जो चर्च है वहाँ का, उसके जो एम्प्लॉय होते होंगे वही वहाँ के सिटीजन होते होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।